नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा यादव और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देवरी घाट चौकी में चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को मास्क न पहनना पड़ा भारी। चौकी प्रभारी ने 29 लोगों से 3600 रुपए का वसूला जुर्माना। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में मऊ रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित देवरी चौकी में चौकी प्रभारी मोहनलाल दीक्षित के द्वारा झांसी खजुराहो हाईवे से निकलने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों के साथ मास्क न लगाने वाले कई वाहन चालकों के चालान काटे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 29 लोगों के मास्क न पहनने पर चालान काटे, जिसमें पुलिस के द्वारा 3600 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। साथ ही वाहन चालकों को कोविड-19 के नियमों एवं यातायात नियमों का पालन करने की बात चौकी प्रभारी के द्वारा कही गई। मऊ रानीपुर से संजीव तिवारी की रिपोर्ट। सीता जी का नाम गुलजारी। कहाँ रहते हैं? खदियन तरह। खाना क्या है? मैदानी को। जनपद आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? तो आप चला करिए तो मास्क लगा के चला करिए।